हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों के साथ एक सिंपल सी चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप लोग इस चटनी को स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक मुट्ठी हरा धनिया, और फ्रेश धनिया लेने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हमें 3 हरी मिर्चें चाहिए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो 4 भी ले सकते हैं। और एक हम लेंगे लहसुन की बीज। लहसुन की बीज बड़ी वाली है इसलिए मैंने एक ली है। और इसके अलावा हमें चाहिए 2 से 2.5 टेबलस्पून कच्चे शेंगदाने, इसको मूंगफली भी कहते हैं। तो हमें इसको कच्चा ही लेना है, हमें रोस्ट नहीं करना है। और हमें थोड़ा सा लेमन जूस चाहिए, और नमक चाहिए हमें थोड़ा सा। आप लोग नमक टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं उतना डाल दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हमें एक मिक्सी के जार में डाल देना है, और हमें इसको थोड़ा सा पानी लगा कर पीसना है। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी है, अब इसको हम पीसेंगे। तो ये देखिए चटनी हमारी रेडी है। तो आप लोग भी इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और कमेंट करके मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।